আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আচ্ছা, আমি ভাইরাবা কো একদম মশহুর হোটেল হোটেল না বানাও রেস্টুরেন্ট বানাও ইউ মদিনা রেস্টুরেন্ট মা আমি আই পুগে কো ছাও বিয়ানা কো খাজা খানা নাস্তা খানা আইলে আই পুগে কো ছাও লা আইলে আমি গাড়ি বাটা ঝর দেই ছাও। हेलो कर दिनुस रमेश दाई। हाय। तब हेलो कर दिनुस। अस्सलाम वालेकुम। यो हाम्रो मदीना रेस्टुरेंट हम आइपुगे छौ। सिद्धार्थ नगर गल्ला मंडी वडा नंबर 6। ल एड्रेस पनि सुनिहाल्नु भयो हजुरहरुले। एकदम मशहूर मदीना रेस्टुरेंट आइपुगे छौ। यता चाहिँ हामी पराठा हेर्दै छौ। अहिले पराठा बन्दै छ। पराठा र हलवा खाने प्रयास। मस्ट विजिट प्लेस ऑफ सिद्धार्थ नगर भैरवा गल्ला मंडी। अगर आपको अच्छा खाना खाना है, लखनऊी स्वाद लेना है, तो आप कहीं मत जाइएगा। आप सीधा इस फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आप आएँ, मदीना रेस्टोरेंट, जहां अपने सर सफाई के साथ हम लोगों को खाना सर्व किया जाता है। आइए हम और आप मेकिंग का प्रोसेस देखते हैं। ये हलवा फेमस हलवा पराठा है। इस पराठे में आप बहराइच दरगाह गए होंगे अगर, तो वो बड़ा बड़ा मुगलाई पराठा जो इस तरीके से हाथों से बनाया जाता है, ये शॉर्ट एंड स्वीट, कम ऑयली और खाने में भी अच्छा और क्रंची के हिसाब से, इसको पॉपुलरली मुगलिया फूड्स के अंदर उसको लच्छा पराठा के तौर पर हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर कंपेरिजन करें टेस्ट के मुताबिक, तो ये टेस्ट एकदम क्रंची और क्रिस्पी है। इसको बनाने का प्रोसेस हमारे चचा बताएंगे। जी चचा, बताइए कैसे बनता है, किस चीज़ का ये होता है? मैदा पहले से गूंदा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं इसको? इसमें चीनी, मैदा, चीनी, नमक डाल के बनाया जाता है जी। उसके बाद इसको ढलने के लिए रखते हैं, मारते हैं। जी, फिर पराठा। देखिए सर, अगर इतना ही आसान होता लच्छा पराठा घर में बनाना, तो लोग रेस्टोरेंट में आकर खाते नहीं। तो एक बार यहाँ पर आकर मदीना रेस्टोरेंट के अंदर आएं और एक विजिट करें और अपना रिव्यू मेरे ब्लॉग पर आप डाल दीजिए। थैंक यू। एंजॉयिंग हलवा लच्छा पराठा एट मदीना रेस्टोरेंट भैरावा। खाने मात्र अब चाहे हम यहाँ बड़ा निस्कने सो, अब चाहे हम लोग लास्ट डेस्टिनेशन तीरा निस्कने सो। इले हम लोग कुने काम से तो भैरावा में तो काम हम भी निपटाए रहे, अब आपने घर तीरा फर्किने सो। ला ला तो बाय बाय मदीना रेस्टोरेंट। ला ला बाय बाय बाय। सो गाइज, हम लोग अभी जो है निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन से। अब जो है वापसी नेपालगंज जा रहे हैं। अब अभी लुम्बिनी के करीब पहुँच चुके हैं। लुम्बिनी जो जहाँ पर लॉर्ड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये है ये तो वही जगह अभी जहाँ हम लोग नौवा चला हुआ जाता रहा है। अच्छा। हाँ, स्टीमर वाला। अच्छा, अब देखो यही चीज कहूँ दिखाई दे है। बहुत घूमा गया यार, घुमा का आ रहा है दोस्त। तुमका लोगन का माफी चाहिए था है। यहाँ हम लोगन के मोबाइल चार्ज खत्म हो गवा रहा है। डायरेक्ट अपने नेपालगंज से आवाज आ रहा है, यहाँ आवाज आते मोबाइल चार्ज खत्म हो गवा। लोकल मोबाइल ना फोटो खिंचा रहा ना आईफोन बंद हो गया रहा, तो चार्ज तो रहा है ना, तो इसके वजह से हम लोगों ने काम करा कहा। सॉरी कर लियो मेरी तरफ से, अपने आराम से रास्ता भाई देख लो ना, देख पाए सॉरी देख लो।
नदी का बहुत ही प्यारा नज़ारा। अब जो है लुम्बिनी जहाँ पर जन्म हुआ था वहाँ से क्रॉस हो चुके हैं, अब जा रहे हैं। यहाँ पर शादी हुई थी, यहाँ पर शादी हुई थी, किसकी शादी हुई थी? खेल रहे थे बुद्ध, हाँ जहाँ पर खेल रहे थे गौतम बुद्ध, वहाँ वहाँ से अब जा रहे हैं तौलीवा। तौलीवा नाम करके कोई जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं अभी। खाना वाना खाए, भूख लगी है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन लगी हुई है भूख। यहाँ पर मस्जिद देख लीजिए क्या आलीशान बनी हुई है, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अब हम दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दिख रही है कि नहीं, गाड़ी में है कि नहीं दिख रहा। अब हम गाड़ी में है, हमारे रमेश दाई सिगरेट खा के जो है चला रहे हैं गाड़ी। ट्रैफिक नियम पालन ना करो, जानी भाई सुस्ती में पड़े हुए हैं। हेलो करो हो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो फिर आगे का नज़ारा दिखाते हैं। हम लोग अब आ चुके हैं ये पहाड़ के बीचों में जो है आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर है अपनी गाड़ी, और यहाँ पर देखिए पहाड़ का नज़ारा आप देखिए। देखिए ये देखिए हमारा ये नेपाल का नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड कुतुब मीनार है, जो जब आप बुटवल की तरफ जाएंगे चंडोटा से पहले ये आपको नेपाल का कुतुब मीनार दिखेगा। आने आने में इस तरीके से काटा गया है, ये लगता है कि जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड इजिप्ट के, उस तरीके का ये काटा गया है। और मेरे जानकारी के हिसाब से जब ये नेशनल हाईवे बना है उस दौर में ये किसी मशीन, आधुनिक मशीन मॉडर्नाइजेशन के दौर के क्रशर्स एंड बुलडोजर्स एक्सेट्रा इस सब चीज़ों से ये नहीं बना है, ये हम नेपालियों की मेहनत और मजदूरी के कारण का ये नमूना आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोगों ने मेहनत कर कर इस पहाड़ को खोदा। सबसे ज़्यादा खोदने वाला यही है। और मेरे दाई हैं बचपन जब थे तो वो आए थे यहाँ पर पहाड़ के छोटे छोटे ढूंगा उठाने के लिए। अब आपको बताएंगे मेरे दाई रमेश दाई यहाँ के किस्सा और कहानी किस्मा लगाई। हम कुछ नहीं बताएंगे। बताइए बताइए क्या हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। इतिहास बताइए हमको, क्या इतिहास है इसके बारे में? चलो हमारे रमेश दाई को इतिहास मालूम ही नहीं, ये कहाँ रहते हैं यार, आपको इतिहास ही नहीं मालूम है कैसे क्या है? हजरत से भी इतिहास पूछ लो। हाँ हमको मालूम है। हमारे सालार भाईजान बैठे हुए हैं यहाँ पर पहाड़ किनारों पे, ये आपको इतिहास बताएंगे यहाँ का, क्या है इतिहास पहले दिखा तो दो क्या है चीज। देखिए आप देख सकते हैं ये एक सिंगल पहाड़ था, उसको बीच से फाड़ के इसको रास्ता बनाया गया, रास्ता निकाला गया है। और ये पहाड़ तकरीबन अब जब ये रास्ता बना होगा तभी ये निकला होगा, या फिर मेरे ख्याल से यहाँ से एक रास्ता दिखाया होगा। पहले ये रोड होता होगा शायद, ये जब ये पहाड़ कटा नहीं था, इस साइड से रास्ता जाता होगा, इधर से साइड से रास्ता जाता होगा, उधर मिलता होगा। लेकिन फिर बाद में इसको बीच से फाड़ के यहीं से रास्ता निकाला गया। और ये कौन बनाया, किसने किया, ये तो नहीं पता, लेकिन इंसानों के द्वारा ही बना होगा ये, मैं इतना तो पता, इतना कह सकता हूँ। लेकिन हाँ देखने लायक जगह है, देख सकते हैं, फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, बस ये अमानिल्ला। बहुत शुक्रिया सालार भाई, कुछ बहुत हमारे सालार भाई ने यहाँ पर बताया है इसके बारे में कैसे क्या हुआ है। साइड में एक रास्ता भी दिख रहा है, यहाँ पर पुराना रास्ता है कि यहाँ से भी शायद पहले रास्ता हुआ करता होगा, फिर जो है जब यहाँ पर सड़क निर्माण हुआ है फिर जो है बीच में जो पहाड़ है ये पहाड़ को चीर के बनाया गया है। अब बाकी आगे हमारे शाहिद भाईजान बताएंगे। ये सब मेरे अल्लाह की मखलूक है, ये सब मेरे अल्लाह हक है, ये चरिंद परिंद ये पेड़ पौधे पत्थर सब सब अल्लाह की मखलूक, बेशक सुभान अल्लाह खान अल्लाह खान अल्लाह। भाईजान किस तरीके से ये टर्निंग पे खड़े हैं, ये अल्लाह ही मददगार है, ऐसे खड़े जो चल रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे आगे के सफ़र में आप लोग हमसे कंटिन्यू जुटे रहें और इस सफ़र का लुत्फ़ लें जी।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं, कहां पर पहुंच चुके हैं? बालूबांग जगह पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग रास्ते में हैं। चलिए रमेश दाई आगे का नज़ारा दिखाइए हम लोगों को, क्या है आगे? हाँ, राप्ती दांग जिला भाई, देखिए नज़ारा नदी। आगे टीवी चल रहा है, इसमें जो है गौतम बुद्ध का पिक्चर बना हुआ है। रानी महल यहाँ पर नहीं गए वो? हाँ, रानी महल यार कभी आप बना सकते हैं। चलो बाद में जाओ जी। अब पेट्रोल लेने जाए, कोक ले ना, कोक इसी में पी लेंगे। आओ चलो 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 ना, आप लोग घूम लीजिए, हम लोग आते हैं, पर जाइए बहुत। आइए ना मिस्टर, यहाँ पर है अभी हम लोग। यहाँ पर देखिए ये है एरिया अपना, अनि हामी जब खाने प्रयास गर्छौँ के हुन्छ नपाएपछि। दो स्प्राइट मिला है, दो कोक मिला है, अब एक दो को क्या आता है, किसके नसीब में क्या होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है। रेडबुल भी है, रेडबुल बहुत महंगा हो जाएगा। दाई छाइनरा तीनटा भोली छ सार्वजनिक बिदा तीन गते दुमिनी प्रदेश में मात्र खाई के हो खाई। ठीक छ हुन्छ हुन्छ। कति पैसा भयो? 500 रुपियाँ 80 रुपियाँ होइन र होइन 100 हो। महँगो भएको छ है, एक वर्ष लगाइसक्यो हामीले। क्युआर कोड छ? क्युआर छैन, क्यास पनि त भएको छैन मैले यार, म त्यहाँबाट लिएर आउँछु। अब यहाँ पर हमारे पास कैश नहीं बचा है, क्यूआर पेमेंट है, लेकिन क्यूआर पेमेंट चल नहीं रहा है यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर अपने जिलानी भाई से 60 रुपये लेने आए हैं। 60 ले ले जिलानी भाई, 60 दीजिए हमको, 500 रुपये। बुरा दिया, 60 ले लिया। अभी जो है यहाँ पर कोक लेते हैं हम लोग।
चलिए चलते हैं, अपने गाड़ी पर बैठते हैं, अब नेपालगंज की तरफ रवाना होते हैं। अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब चलेंगे घर सीधे। अब आगे आपको नज़ारा दिखाएंगे, वहीं पर राप्ती सोनारी या फिर कोहलपुर से आपको नज़ारा दिखाएंगे आगे का। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं, भी आगे मिलते हैं। चलिए व्यू देखो, व्यू खाली व्यू, क्या सही व्यू है यहाँ पर। व्यू देखिए, कैमरा पकड़ में नहीं आ रहा है। घर के आगे जीत है माउंटेन डू, देखिए सब माउंटेन डू पी रहे हैं। आहा, देखिए हम भी पी रहे हैं। ओफो, कैमरा ही पकड़ में नहीं आ रहा। मजा आवत है, तो गलती होगी भाई, तू स्प्राइट हो, तो स्प्राइट तो पी रहा है, स्प्राइट देख के लिए सॉरी। डर के आगे हार वाला हो ये। नाउ वी आर इन नेपालगंज, वी आर इन होम सिटी, हिमालय साइकिल सेंटर। महाराज बैठे हैं, महाराज साहब बैठे हैं। नमोजी मस्जिद, नमोजी मस्जिद, नमोजी मस्जिद। अब जो है घर की तरफ। गाइस, वी आर फाइनली इन नेपालगंज नाउ। हम लोग नेपालगंज पहुंच चुके हैं, अब घर की तरफ रवानगी करने जा रहे हैं। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।